फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। अब डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 9th भी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको गिवन है कि प्रूव दैट -1 प्लस आईटा रूट 3 अपॉन 2 का क्यूब इज ए पॉजिटिव इंटीजर। यानी इस पूरे की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आ रही है, ठीक है ना। ये प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, ये वाला जो फॉर्मेट है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले तो ऐसे लिख सकता हूं ना कि जो वैल्यू है वो -1 प्लस आईटा रूट 3 का क्यूब अपॉन में, चलो एक बार तो लिख दो, इस पूरे का क्यूब है, ठीक है। तो 1/2 का क्यूब करोगे तो 1/8 बाहर आ गया क्या, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आईटा रूट 3 माइनस का 1, बात एक ही है वैसे, ठीक है ना। या फिर वैसे ही कर लो, देखो -1 प्लस आईटा इंटू रूट 3 का क्यूब करना है। तो फॉर्मूला अपने पास में है, जानते हैं अपन कि a प्लस बी का क्यूब क्या होगा, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, ये है पूरी वैल्यू आपकी। तो अप्लाई करें यहां पे, तो 1/8 इंटू ये a की वैल्यू -1 और ये पूरी b की वैल्यू है, तो a का क्यूब यानी -1 का क्यूब प्लस b का क्यूब आईटा इंटू रूट 3 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद में प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -1 और b की वैल्यू कितनी है आईटा इंटू रूट 3 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू -1 का स्क्वायर, b की वैल्यू आईटा इंटू रूट 3, ये पूरी वैल्यू आएगी आपकी। इसी को मैं लिख सकता हूं 1/8, -1 का क्यूब करोगे तो -1 प्लस आईटा का क्यूब, आईटा क्यूब रूट 3 का क्यूब करोगे तो 3 इंटू रूट 3, ये वैल्यू आएगी आपकी 3 इंटू रूट 3। फिर ये माइनस इसके साथ में, तो ये माइनस 3 इंटू आईटा का स्क्वायर, आईटा स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो ये 3 आ गया। उसके बाद में इसको सोल्व करो तो प्लस ये -1 का स्क्वायर कितना, -+1 और ये 3 इंटू रूट 3 इंटू आईटा, ये वैल्यू आएगी यहां से आपकी, ठीक है भाई। अब देखो ये वैल्यू हो गई 1/8 सेम, ये -1, आईटा क्यूब की वैल्यू अपन जानते हैं कि माइनस आईटा क्यूब की वैल्यू कितनी, माइनस आईटा, आईटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, ये वैल्यू होगी। तो आईटा क्यूब को मैं लिख सकता हूं माइनस का आईटा, और ये वैल्यू हो गई, इसको मैं पूरे को ऐसे लिख सकता हूं ना 3 इंटू रूट 3 इंटू आईटा, ठीक है। और ये आईटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1 इस प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3, और ये 3 इंटू 3 कितना 9 हो जाएगा, और प्लस 3 इंटू रूट 3 इंटू आईटा, ये वैल्यू आ जाएगी। ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट, तो 1/8 -1 प्लस 9 कितना 8, 8 इस 8 से कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी होगी 1, और ये रियल वैल्यू है कि नहीं है, तो बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूफ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी 17 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या गिवन, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको गिवन है इफ वन ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स द इक्वेशन, यानी 2x² - 6+k = 0, इसका इसकी एक x की वैल्यू आपको गिवन है कि x = a+5 (i)/2, ये इस इक्वेशन की एक वैल्यू है,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको फाइंड आउट करना है ए कोमा के को, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, ध्यान से देखना। अगले ने बोला कि इस इक्वेशन की ये वैल्यू है, तो इस एक्स को यहां पे इनपुट करेंगे तो वैल्यू देखो क्या मिलेगी आपको, और जीरो आपका है ही है, तो टू इंटू एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस फाइव इंटू आइटा कोन में टू का होल स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू ए प्लस फाइव इंटू आइटा कोन में टू और प्लस में के इक्वल टू जीरो, ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं टू इंटू टू से ये कैंसिल आउट कर दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ए प्लस फाइव इंटू आइटा का होल स्क्वायर अपॉन में टू, फोर आया था तो फोर से टू कैंसिल आउट, और ये हो जाएगी माइनस का, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो सिक्स है, एक बार रहने दो, सिक्स इंटू ए प्लस फाइव आइटा अपॉन में टू और प्लस में के इक्वल टू जीरो। पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन में टू से मल्टीप्लाई करूं तो ए प्लस फाइव इंटू आइटा का होल स्क्वायर माइनस, ये टू से मल्टीप्लाई होगा तो टू कैंसिल आउट, तो ए प्लस फाइव आइटा और प्लस टू के इक्वल टू जीरो, ये लिख सकता हूं। इसको ओपन करो, ओपन करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस फाइव इंटू आइटा का होल स्क्वायर माइनस प्लस टू इंटू ए इंटू फाइव आइटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो सिक्स ए माइनस का थर्टी आइटा प्लस का टू के इक्वल टू जीरो, इसी को लिख सकता हूं मैं ए स्क्वायर प्लस का ट्वेंटी फाइव इंटू आइटा स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी टेन ए इंटू आइटा माइनस सिक्स ए माइनस का थर्टी आइटा प्लस टू के इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी माइनस का वन लिख देंगे बाद में, और फिर वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये एक तरफ कर लो माइनस का सिक्स ए माइनस का प्लस का टू के प्लस टेन ए आइटा माइनस थर्टी आइटा इक्वल टू, में इस जीरो को लिख सकता हूं मैं जीरो प्लस आइटा इंटू जीरो, यहां पे वैल्यू मैंने पुट की है आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन। ठीक है, अब इसी को लिख सकता हूं मैं ए स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स ए प्लस टू के, आपकी एक रियल वैल्यू होगी, प्लस यहां से मैं आइटा को कॉमन निकाल दूं तो टेन ए माइनस थर्टी ये वैल्यू आपकी यहां पे हो जाएगी, और ये जीरो प्लस आइटा इंटू जीरो। कंपेयर करोगे आप बोथ साइड में तो रियल वैल्यू के इक्वल, तो ए स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स ए प्लस टू के, इसकी वैल्यू तो जीरो हो गई, और यहां से इमेजिनरी वैल्यू होगी टेन ए माइनस थर्टी इक्वल टू जीरो। यहां से मैं ए की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो ए की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, थ्री आ जाएगी ना, थर्टी उधर जाएगा टेन डिवाइड हो जाएगा तो थर्टी अपॉन टेन कितना थ्री आ जाएगा। इस थ्री को मैं यहां पे पुट कर दूं, इस थ्री को मैं यहां पे पुट कर दूं तो आपकी वैल्यू देखो कितनी आएगी, ठीक है ना, इक्वेशन वन में पुट कर दूं तो पुट ए इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो कितनी वैल्यू आई, थ्री का स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स इंटू ए, ए की वैल्यू थ्री प्लस टू के इक्वल टू जीरो, तो यहां से ये वैल्यू तो हो गई नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस एटीन प्लस टू के इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। तो देखो इनको मैं सबको ऐड करूं तो नाइनटी फाइव यानी ट्वेंटी फाइव में से ये आप माइनस करोगे तो वैल्यू हो गई आपकी सिक्सटीन, कितनी माइनस का सिक्सटीन माइनस का 18 प्लस 2 के इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया आपका माइनस का 34 प्लस का 2 के इक्वल टू जीरो, तो 2 के की वैल्यू कितनी हो गई प्लस का 34 हो गई, और k की वैल्यू कितनी हो गई 17 हो जाएगी, k की वैल्यू कितनी हो गई 17, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या दिया हुआ था कि इस इक्वेशन का एक फैक्टर एक वैल्यू है, तब a और k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज कर लो और इसको
नो डाउन कर लो, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या गिवन है, देखिए ध्यान से, गिवन है कि डिफाइन द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट देयर सम एंड प्रोडक्ट आर रियल। यानी ये गिवन है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है आपको, लेट कर लेता हूं कि जेड इक्वल टू, ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ए प्लस आईटा इंटू बी, लेट कर लिया। इसी का कॉन्जुगेट फॉर्म में लू तो कॉन्जुगेट फॉर्म जेड का बार होगा, क्या होगी कॉन्जुगेट फॉर्म, ए माइनस आईटा बी। और आपको ये बोला हुआ है कि इसका सम और इसका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट होगा वो दोनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, ठीक है। चेक करते हैं, देखो समझ गए क्वेश्चन की थीम को तो आप अच्छे से देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं सम फाइंड आउट करूं तो सम क्या होगा, जेड प्लस जेड का बार होगा, जेड की वैल्यू ए प्लस आईटा इंटू बी प्लस जेड बार की वैल्यू ए माइनस आईटा बी, ये होगा। तो ये वाली वैल्यू ये इससे कैंसिल आउट और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2a, और ये किसमें बिलोंग होगा, रियल वैल्यू, क्योंकि रियल वैल्यू और रियल वैल्यू का सम रियल वैल्यू होगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, रियल हो गया सम, तो क्या हो गया रियल। आपको सही तो करना था, और प्रोडक्ट फाइंड आउट करो तो प्रोडक्ट देखो इसका जेड का मल्टीप्लाई जेड बार से करवा दो तो ए प्लस आईटा बी का मल्टीप्लाई ए माइनस आईटा बी के साथ में, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस आईटा इंटू बी का होल स्क्वायर, क्या वैल्यू आ गई, ए का स्क्वायर माइनस आईटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, आईटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या था आपका ए रियल वैल्यू, रियल वैल्यू का स्क्वायर भी रियल होगा, बी क्या था रियल वैल्यू थी, ये बी आपकी रियल वैल्यू आईटा के साथ आती है इमेजिनरी वैल्यू हो जाती है, तो बी का स्क्वायर क्या होगा रियल, क्योंकि इसमें कहीं पे भी आईटा नहीं है आपका, तो ये पूरी वैल्यू किसमें बिलोंग हो गई, रियल वैल्यू में बिलोंग हो गई। तो दोनों सम और आपका प्रोडक्ट क्या मिल गया, रियल वैल्यू ही मिलेगा, ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में डिस्कस करें, तो 19 में आपको क्या गिवन है, 19 में आपको गिवन है कि इफ जेड बार इक्वल टू माइनस का जेड और जो किसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो है, शो दैट जेड इज नेसेसरी इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। यानी आपको शो करके ये रिप्रेजेंट करना है कि इस केस के अंदर जेड आपका एकदम प्योर इमेजिनरी वैल्यू होगा। तो चेक करते हैं, सबसे पहले लेट करके मैं मान लेता हूं कि लेट जेड की वैल्यू क्या मान लू, यहां पे मैंने ए प्लस भी माना ना, तो आप एक्स प्लस आईटा भी मान सकते हो, ठीक है ना, चलो एक ही मान लेता हूं आप कंफ्यूज ना हो, ए प्लस आईटा बी हो गया, जेड का मैं बार फाइंड आउट करूं तो बार क्या होगा ए माइनस आईटा बी होगा, जेड का मैं माइनस जेड नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करूं तो क्या होगा माइनस ए माइनस आईटा बी, ये वैल्यू होगी। आपको जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आपकी होगी वो क्या है, देखो कंडीशन क्या है कि जेड बार इक्वल टू माइनस जेड, यहां से जो वैल्यू आएगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जेड क्या होगा प्योर इमेजिनरी होगा, ठीक है। तो देखो वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, जेड बार की वैल्यू कितनी है ए माइनस आईटा बी इक्वल टू माइनस जेड की वैल्यू कितनी है माइनस ए माइनस आईटा बी, माइनस आईटा बी से माइनस आईटा बी कैंसिल आउट, ए इक्वल टू कितना हो गया माइनस ए हो गया, ए इधर आएगा तो ए प्लस ए कितना 2a, तो ये 2a की वैल्यू कितनी हो गई जीरो, यानी a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई जीरो। इस a इक्वल टू जीरो पुट करवा दो कि पुट a इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करवाऊं तो z की वैल्यू हो गई जीरो प्लस आईटा इंटू बी। अब इसको देखो ये प्योर इमेजिनरी वैल्यू है, यानी इसी को मैं क्या लिख सकता हूं जेड इक्वल टू आईटा बी लिख सकता हूं, तो रियल वैल्यू तो है ही नहीं ना, तो ये क्या इसको क्या कहूंगा, ये प्योर इमेजिनरी वैल्यू होगी, क्या होगी प्योर इमेजिनरी वैल्यू होगी, ठीक है ना, और ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था, आपको समझ गए होंगे। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है
20 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 को देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको गिवन है कि जेड एंड जेड का डैश आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है। और फिर बोला हुआ है कि जेड इंटू जेड डैश इस पूरे की वैल्यू है 3-4 आइटा। गिवन दैट, गिवन क्या आपका जेड का बार कितना 5+3 आइटा। एक्सप्रेस जेड इन द फॉर्म ए प्लस बी, यानी आपको जेड को एक्सप्रेस करवाना है ए प्लस आइटा बी में, वेयर ए एंड बी आर द रेशनल नंबर। और ए एंड बी क्या आपकी रेशनल नंबर है। तो देखो करते हैं, आराम से देखना। सबसे पहले ये जो कंडीशन आपको गिवन, इस कंडीशन में वैल्यू में पुट कर दो तो जेड बार की, जेड डैश की वैल्यू कितनी है 5+3 आइटा इक्वल टू 3-4 आइटा। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, जेड इक्वल टू 3-4 आइटा अपॉन में 5+3 आइटा, ये वैल्यू होगी। अब नीचे आइटा नहीं रहना चाहिए, आइटा को मैं हटाऊं तो इसकी कॉन्जुगेट फॉर्म से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो 5-3 आइटा अपॉन 5-3 आइटा, ये मैं लिख सकता हूं, ये लिख सकते हैं। तो जेड की जो वैल्यू होगी वो इस पूरे का देखो मल्टीप्लाई करवा देता हूं, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ कितना 15, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 9 आइटा, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 20 आइटा, और इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का माइनस के साथ में प्लस, आइटा का साथ में तो आइटा स्क्वायर, 4 का 3 के साथ में तो ये 12, ये वैल्यू आ जाएगी। और ये क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये लीजिए ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां से वैल्यू देखो क्या आएगी वो देखना ध्यान से आप, जेड इक्वल टू 15 माइनस ये कितना आपका 29 आइटा, कितना आ जाएगा 29 आइटा, और ये हो जाएगा माइनस का 12 अपॉन में ये 25 ये 9 आइटा स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू आ गई आपकी 15-12 कितना 3 माइनस ये 29 आइटा अपॉन ये 25 आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी माइनस वन इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 9, इसी को लिख सकता हूं मैं 3-29 आइटा अपॉन में 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो जेड की वैल्यू आएगी वो कितनी हो गई 3 अपॉन में 34 माइनस आइटा 29 अपॉन में 34। तो इसको ध्यान से देखो, ये रेशनल नंबर है और ये भी आपका रेशनल नंबर है, ठीक है ना। और आपको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, जेड इक्वल टू ए प्लस आइटा बी के फॉर्मेट में, और ये a और b किस में था आपका रेशनल नंबर था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको गिवन है कि इफ a प्लस आइटा b इक्वल टू x प्लस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2 × x² + ये वाली वैल्यू आपको गिवन है और प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1 का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते हैं करते हैं प्रूफ, क्वेश्चन की थीम को समझ गए होंगे। देखो सबसे पहले ए स्क्वायर गिवन है और बी स्क्वायर गिवन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, यदि मैं a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा और फिर स्क्वायर करके एड कर दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी ना। तो सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू को अलग अलग कीजिए। तो a प्लस आइटा b इक्वल टू, ओपन करो इसको, क्या लिख सकता हूं x का स्क्वायर प्लस
आइटा स्क्वायर प्लस 2 × x × आइटा अपॉन में 2 × x² + 1 लिख सकते हैं। उसके बाद में लिख सकते हैं a प्लस आइटा b इक्वल टू आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी माइनस 1 लिख सकते हैं। इसके अपॉन में मैं लिख सकता हूं 2 × x² + 1 और ये प्लस आइटा इंटू 2x / 2 × x² + 1 ठीक है। कंपेयरिंग बोथ साइड कंपेयर करोगे बोथ साइड में तो a की वैल्यू होगी x² - 1 / 2x² + 1 और b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2x / 2 × x² + 1 ये वैल्यू आ जाएगी ठीक है। इतना अपन इसमें कर सकते हैं। अब आपको इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आपको गिवन है a² + b² वाला केस। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है a² + b² है ठीक है और फिर इन दोनों का एड करना है तो a का स्क्वायर कर दो तो x² - 1 अपॉन में 2 × x² + 1 इस पूरे का होल स्क्वायर और यहां पे वैल्यू आपकी प्लस b का स्क्वायर यानी 2 × x / 2 × x² + 1 का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं x² - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2x² + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x इसका स्क्वायर करोगे तो 4x² अपॉन में 2 × x² + 1 का होल स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी ठीक है। अब मैं दोनों का एलसीएम लेके सोल्व करूं तो आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी एलसीएम कितना आ गया आपका 2 × x² + 1 का होल स्क्वायर। इससे मैं डिवाइड करूं तो ये वैल्यू रिमेनिंग रहेगी तो x^4 ठीक है x² - 1 ओपन कीजिए आप और प्लस 1 का स्क्वायर ठीक है ना 1 आ जाएगा इसको मैं से लिख देता हूं चलो लिख दो x^4 या फिर रहने दो ऐसे लिख दो एक बार ठीक है और इसका स्क्वायर ये और फिर -2 × x² × 1 ये होगा और इसका एलसीएम लेके मैं सोल्व करूं तो ये वैल्यू इससे मैं डिवाइड करूंगा 1 और 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × x² आ गया ठीक है भाई ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं ये x² का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर 2x² + 4x² कितना आएगा प्लस का 2 × x² अपॉन में कितना 2 × x² + 1 का होल स्क्वायर। इसी को लिख सकता हूं मैं a² + b² + 2 × a × b लिख सकते हैं ना तो क्या वैल्यू मिल गई आपको x² + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2x² + 1 का होल स्क्वायर और ये देखो आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है ठीक है a² b की वैल्यू आपकी ये यहां से आ गई। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो अपन इसमें क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस कर लिया है ठीक है। ज्यादा वीडियो को अपन बड़ा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।